डंडी नहीं खलौकत, लोग के अले गए के रास्ता नहीं खलौकत, गंगा स्नान के गंगा के तरफ गए के कोनो चिन्ह नहीं खलौकत, ई कहां तू ले जाता रह हमके। फिर भी लक्ष्मण नहीं बोलल, थोड़ा सा और जोर से रोवल शुरू कर दी हले, अब नहीं रोकाइल इनके कि कवन जवाब दी सीता मैया के। रोवे लगल जवाब नहीं दी हले, बड़ा लागे वाला बात कह दी हली सीता मैया, कहली कि कौनो बात बतो हरा मन में काहे बोलत नहीं ह बन में, बात बतो हरा मन में काहे बोलत नहीं ख बन में, बात बतो हरा मन में काहे हरे बोलत नहीं ख बन में, धई के पीछावा से लक्ष्मण के ही नावे लगली हा, धई के पीछावा से लक्ष्मण के ही नावे लगली हा। ए भैया जबरदस्ती पकड़ के तेज से झकझोर ली, कहली कि ए लक्ष्मण यही रथ रोक द, हमके तहरे साथे गईले के कौनो आवश्यकता नहीं है, हमके कौनो गंगा स्नान कईले के आवश्यकता नहीं है, हमरे साथे तू छल कर तड़ है ना। यहाँ तक ले कह दी हली कि जस के कही तस तो हम कठोरा, तात मात के हो हित मोरा, जैसे के कही एक दिन जंगल में भेजवा दी हली, वही तरह से सबती महतारी के बेटा तो हूँ हव तो हूँ हमार हित नहीं सोच सकेल, वही दिन वो लाभ उठौली, आज तू लाभ उठावल चाहता रहा हमके जंगल में ले जाके, तहरे मन में छलबा। जब इतना बात बोलली जौने सीता के रोज माई कही के प्रणाम कर, लक्ष्मण गिर गईले, गिर गईले जमीन पर गिर गईले, कहले की बाहरे महतारी इतना लागे वाला बात बोल दी हली कि हमरे मन में छल बा तोहरे प्रति, हम सबत महतारी के लड़का है, कहीं कहीं के तुलना कर दी हलू हमरे महतारी के हमसे है ना। जमीनिया पर गिर के धरतिया पर हाथ मरले आ रोवत रहले, कहले कि अरे शक्तिवान लागल जहिया लंकवा में आ तहिया निकसलना प्राण, हरे काहे खातिर विधना जियावत बाण, आ जनवा ले ले ता हमार, आ काहे खातिर विधना जियावत बाण। हे भगवान कौने गलती के सजा दे तड़ तू हमके, कौन ऐसन गलती कर दी हले बानी, एक के अगर नाई ई काम करती तो भाई छूट जाई, तो भाई अपन श्राप देती रहले कि हमार मरल मुंह देखब, अगर उनके आज्ञा के पालन करतानी तो सीता जी हमारे ऊपर लक्षणा लगाव करी, हम ही कौन और को नहीं की भैया, आखिर हम जाए तो कहाँ जाए, ये कौन दिन रात के कौने बाती के सजाए मिलता हमको, काहे खातिर के सजाए मिलता हमको। रोवत रहले सीता जी के कुछ एहसास भइल, रथवा पर से उतरली, लक्ष्मण के पकड़ के उठौली, बाबू ए लक्ष्मण काहे रोवत अड़ा, आखिर बात का बात रोवत अड़ा, समझौली कहली कि ए बाबू तू वो खानदान के लड़का हब कि तोहरा खानदान में दधीची भइले, अरे जे कैले हड्डी दान, एगो पक्षी के प्राण रखे खातिर के उहा पर पूरा शरीर के मांस काट के चढ़ावल शुरू कर दी हले, अब वही खानदान के लड़का एगो तू रोवत अड़ा, तोहरे खानदान में दधीची भइले जे कैले हड्डी दान, अरे काटी के मसुईया अपन दान कैले आ रखले पंछिन के प्राण, आ तोहरे खानदान में राजा हरिश्चंद भइले आ सेवले मर घट मसान, आ वही खानदान के लड़का होके तू रोवत अड़ा बाबू, इतना का शोभा नहीं खे दे, बात ही का है
सत्य सत्य बात बताव। अपन कसम धरा दी हली की बाबू हमसे झूठ न कह। अगर तू हमके महतारी कहले हो कह, अगर तू हमके महतारी बनले हो कह, तो सही बात बताव बाबू। रोवले के कोनो जरूरत नहीं। लक्ष्मण मजबूर हो गई ले जब सौगंध धरा दी हली, बतावे के पड़ल की ये भैया हम तो हके गंगा स्नान नहीं थी करावे। कहाँ ले आये बड़ा बाबू, हम तो हमके जंगल में छोड़े खातिर के लिए बनी भैया, भैया के आदेश बा कि तहके जंगल में छोड़ दिया जाए। इतने ना है कह के महल में तू चित्र बना दी हले बड़ू रावण के, इहो आदेश बा कि जंगल में छोड़ने के बाद जौने हथवा से चित्रवा बरोले बड़ू हथवा काट के लियावे के बाद। जब इतना बात सुन रही सीता जी भारा के गिर गई जमीनिया के, रोवत रहली कहली की कारे महतारी ऐसा ना भागिन बेटी जन्म दे दी हली हम कथ। हर बिजुरी गिरे ला जैसे सीता जी पर, हर बिजुरी मारे ला जैसे सीता जी के, हर क्षण में आ गईली मुरुझाए आ सोना ऐसन सीता मैया झामर भैली गिरी गईली भराए। धरती और यह तकली कहली कि ये बाबू हर माटी से जन्मिया हमार भैले, माटी से जन्मिया हमार भैले, हर माई बाप ना हमार आठ महीनवा के गर्भ बाटे आ तो है करना विचार आ बोला हमर नैया कैसे पार लागी। तो है विचार कर बाबू, आठ महीना के गर्भ से वाली हूँ, मात्र एक महीना बच गई बा बच्चा पैदाइश में, अब ओहू में अपने भैया की आज्ञा के हिसाब से अगर ये हथवा काटी लेब तो हमार दिन कैसे बीती हो। संजोग के बातिबा जहां खड़ा रहली ओहू जाय अशोक के वृक्ष रहे, आ जहिया लंका में छह महीना कैद रहली ओहू जाय अशोक के वृक्ष के नीचे रहली। ओ अशोक के वृक्ष के ओरिया ताकी के कहली कि ये अशोक तू लंका गढ़ अरे दिहला हमें सहारा, हरे उहे विपतिया सीता जी पर आइल फेरु दोबारा। ए भैया फिर से एक बार तह से सहयोग मांगता नहीं हम, अगर हो सके तो हमके निष्कलंक बतावे में हमार सहयोग करो। जैसे कहली चमत्कार हो गई रे भैया, अरे झरझर गिरेला पतैया, झरझर गिरेला पतैया, लेकिन अरे डोला तनैखबे यार, झरझर गिरेला पतैया, बोला था नहीं खेबे यार, नीचवा पसीदी गई धरती, आय हाय नीचवा पसीदी गई धरती, बोड़ावा के दिहाली भी थाय, नीचवा पसीदी गई धरती।
बिना बियारी के पत्ता सर 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 गिरे लागल। देखिए हई माता जी के तरफ से ये 21 रुपया का पावन पुरस्कार आई, हमरे तरफ से प्रणाम बा कहना बा। जब पत्ता गिरे लागल नीचे से धरती इतना पसीज गई कि पानी बहे लागल, जब इतना प्रमाण मिल गई तब सीता जी लक्ष्मण के ओरियां तकली कहली कि ये भैया अब हमके प्रमाण दिहले की आवश्यकता नहीं है, हम निष्कलंक बानी। ये प्रकृति के व्यवस्था ही बता बता, ये पेड़ के पत्ता बता बता, ये धरती बता बतिया पानी बहबा के। अरे भैया तोहरा गोड़, अरे भैया तोहरा गोड़ धोवे धरती मालूर बहा के। अरे भैया तोहरा गोड़ धोवे धरती मालूर बहा के। अरे निष्कलंक हमें बतलावे पेड़ भी पत्ता गिरा के। पेड़ के पत्ता और धरती के पानी जवन रवाई के रूप में आंसू के रूप में निकला था, निष्कलंक बतावे खातिर के काफी बा। एकरे बावजूद भाई अगर तह के विश्वास नहीं के भैया हथवा पसार दी हली कहली कि ए भैया लक्ष्मण आव भैया काटी ले हथवा, आव भैया काटी ले हथवा भैया के कहली पसार, आव भैया काटी ले हथवा भैया के देहली पसार। ए भैया बड़ा सुंदर बात हथवा पसार दी हली, कहली कि भैया नाइखा माने के तैयार काटना, लेकिन कटले से पहले एगो प्रश्न करता नहीं, प्रश्नवा जाके अपने भैया से कह दी है। बड़ा लागे वाला बात कहली आ तहिया सीता भर नाई कहली। आज वो हर नारी के ऊपर जब ऐसन ऐसन बात आवेला तो नारी अपने पति से चाहे अपने घर के लोग से चाहे समाज से ई प्रश्न करेली। वही दिन सीता जी कहली अरे कह दी भैया से अपने विनय करी कर जोर, कहली कि भैया जाके यह बतिया कह दी हा कि जहिया अयोध्या में रहुरे धनुष तुली हम बरमाला डाल दहनी आपके गले में, एक बाद वैदिक रीति रिवाज से हमार बाबूजी शादी करौले आ सदिया करौले के बाद हमार बाबूजी हमार माई हमार हथवा उठा के आपके हथवा में लोग धो दिया। तो वही दिन भाई हथवा यही खातिर के धैलस का, यही खातिर के धरौलस की जब जरूरत पड़ी तो हथवा काटी नहीं, यही खातिर के हर बाप हर महतारी अपने बेटी के हाथ अपने ओकरे पति के दे हाथे में देला कि ले जाके ओके छोटहन से छोटहन भाती पर आना, जहां गलती न भी सिद्ध होके ओके डंडा से मारल जा लाठी से मारल जा। जब जब ई जौने जौने घर में जब जब ई समाज में कुरीति होला ई अनाचार ई दुराचार ई पापाचार फैलेला ओकरे पति के द्वारा ओकरे परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा जब जब नारी प्रताड़ित कही जाले, हर नारी वही दिन पूछे ले वो आदमी से कि हमार बाबूजी हमार महतारी जवन ये हाथ थमा दी लोग यही खातिर के थमहोलस कि ले जाके घर डंडा मरी हा झोटा पकड़ के उखड़ी हा। हर नारी पूछे ले विचार करे चाहिए बाकी पर हथवा तो पसर नहीं रही। लक्ष्मण से कहली कि अगर नहीं खे माने के तो काटी ला, लक्ष्मण जी के तो चीन्हा ले जाए के रहे, लक्ष्मण जी कटार लेकर ले आई अब चला दे की तब तब लग चमत्कार हो गई। का हो गई इतने में आइले विश्वकर्मा, इतने में आइले विश्वकर्मा लक्ष्मण आगे भैले खाड़, इतने में आइले विश्वकर्मा Thank you.
विश्वकर्मा आईले प्रकट हो गई लक्ष्मण के हाथवा रोक लिया कहना कि सीता जी के यही खातिर के प्रकट भइल बड़ी का 33 कोटि देवता ये जनजन लोग जब इनकर आवाहन कइल गइल त सीता जी के रूप में प्रकट भइली यही खातिर के प्रकट भइली कि तोहार भैया के आदेश पर इनकर बाही कटवा दी हल जाए समझौले कहना कि तनिका सा रूप बगरिया में झाड़ी रहे झड़िया में गईले आ बैठी के अपने कर्म के द्वारा अपने पुण्य तपबल के द्वारा जैसन सीता जी के बहिया रहे जैसन गोहराहराई सवराई रहे जैसन उ कंगन चूड़ी पहले रहली ठीक हूबहू वैसने एगो बाही उ कटल बना के पीताम्बरी में लपेट के ले आके लक्ष्मण के दे दी हले कहला कि तनी सीता जी के बहिया से मिला ले ठीक हूबहू वैसने बा लक्ष्मण मिलौले कहला हाँ वैसने बाटे कहले कि ठीक बा चिन्हा चाहिए ना तह के तहरे भैया के ले जा थमा दी है लेकिन सीता जी के बाही मत काट बड़ा मेहनत से बहुत लोग इनके बहुत दिन से स्तुति कई तब जाके प्रकट भैली है ना प्रकट भैली बाही काटे खातिर के समस्या के समाधान हो गई। लक्ष्मण जी रथवा में बहिया डाल दी है पीताम्बरी में लपेट के आ डलने के बाद रथ पर बैठी गई ले लेकिन बैठने से पहले सोचला कि माता से प्रणाम करी आय हाय प्रणाम करे बढ़ले सीता जी पीछे हो गई कहली कि बाबू अगर हमार प्रणाम होई तो फिर तू अपने कर्तव्य पथ से पीछे हो जाइबा ई स्नेह संबंध ई प्रेम के डोरी जवन लागल बा एक समाप्त कर तू कर्म करे आइल बड़ अपने भैया के आदेश के पालन करे आइल बड़ तू अपने भैया के आदेश के पालन कर रथ पर बाही रखले बड़ तू लेके जा समझा दी हरी। लक्ष्मण जी रथ पर बैठी गई लेके जाए लगले लेकिन अपनिये भेजले के बाद सीता जी रोवत रहली लक्ष्मण के रथवा ओरिया लक्ष्मण ओरिया ताकत रहली है ना हर देखली लखन के रथवा अलौकत बाटे जी सीता देखे चिहाय हो अलौकत बाटे जी सीता देखेली चिहाय आ रथ भइल अखिया से ओझल जी रथ भइल अखिया से आ ओझल जी सीता गिर भराय रथ भैया किया से ओझल सीता गिर भरा ठीक बात ए भाई देखी 101 रुपया का पुरस्कार स्वरूप फिर आई श्री अमिका कुशवाहा जी के तरफ से हमारे तरफ से प्रणाम बा कहना बा सीता जी रोवत रहली अपने दिन दशा के याद करके कि जहिया दुल्हन बन के गईली कुछवे दिन बीतल वनवास में चली गई आ जब वो लंका के वनवास से वापस आई आज फिर परिस्थिति वनवास में पहुंचा दी हलस जीवन में कबो सुख हम जनबे नहीं कई रथ भइल अखिया से ओझल जी सीता वीर भरा कहली आज पश्चाताप करते हरी धरती और या तकली कहली कि ये माई ऐसा ना भागिन बेटी का जन्म दे दी हली तू
ये संसार में हमरे इतना अभागा के हुनाई हुई। मानो प्रश्न भइल धरती के तरफ से कि बेटी आखिर काहे तू अपने अभागा कहत अड़ू। सीता जी कहली अवध भवन के सुखवा नाही जननी जी कैसन पहुरा बा हमार। लोग हमके गारी देता, लोग हमके तरह तरह के बात कहता कि कैसन सीता जी के गुड़ारी बा कि जहिया से अयोध्या के राजमहल में आई बड़ी तहिया से ही उथल पुथल चलता। जहिया आईली कुछ दिन भीतर इनके पति के वनवास हो गई, दशरथ जी मर गई ले, अपने जाके लंका में कैद हो गई, पति बनबन भटके के मजबूर हो गई ले, कैसन गोड़ारी बा। आ तहिया भर नाही अजीबो, जब नारी के जीवन में यह तरह के कोनो घटना आवेला तो लोग नारी के दोष लगावेला कि एकर गोड़ारी ठीक नहीं बा, ससुराय आई जब हिंदुया दिन भइल पति के अपने खा डरलस, अपने मर्दे के खा डरलस। हालांकि लोग के जाने के चाहिए जे भी यहाँ धराधाम पर जन्म लेला सब अपने कर्म के हिसाब से जन्म लेला। उ सब कितना दिन जिए के बा, कौने कुल में जिए के बा, कौने खानदान में जिए के बा, कितना सुख बा, कितना संपत्ति बा, कितना दुख बा, ये सारा वही से लेके आवेला। आ दोष दियाला वह नारी पर। अवध भवन के सुखवा नाही जनली जी कैसन पहुरा बा हमार। अवत ससुर के अपने नागिनी जी, अवत ससुर के अपने खा गईली जी, पिया जी गईली बनबा। अवत ससुर के अपने खा गईली जी, पति गईली बनबा।